बट बता दो अगर सब कुछ क्लियर है, आप लोगों को क्लियरली सुनाई दे रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, सब कुछ सही है, तो एक एक बार बता दो, यस एवरीथिंग इज ओके एंड विल प्रोसीड ओके। गुड इवनिंग आयुष, राकेश, अपूर्व, हर्षिनी, वीरेंद्र, नवीन, राहुल, सुनील, बताइएगा भाई अगर सब सही है तो। मानवी, एवरीवन, हाय 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 हेलो, ठीक है अगर सब सही है तो बताओ एंड वील प्रोसीड देन, ठीक है। होपफुली एवरीथिंग इज ओके नाउ। एज यू कैन सी, आप लोगों को कई बार बताया जा चुका है कि आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, इज इंट इट, और अभी ये कल से स्टार्ट हुई है। इसमें हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस कवर कर रहे हैं, फिर लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, स्टैटिक अवेयर मिलेगा, पार्ट वन चल रहा है, पार्ट सेकेंड में आपको करंट अफेयर्स की डिस्कशन भी मिलेगी, ठीक है। इसके साथ में मॉक डिस्कशन होंगे, सारी चीज़ें आपकी कवर की जा रही हैं, आपका हिंदी मीडियम है, बेसिकली इट विल बी अ बायलिंगुअल, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो आना हमारे साथ में, इस कोड का यूज़ कर सकते हो, दिस कोड, इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो, कोई भी कोर्स लेना चाहते हो, किसी का भी कोर्स आप लेना चाहते हो, कोई भी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, तो आप लोग इस कोड को यूज़ कर सकते हो, सुष्मिता ओके। इससे आप लोगों को 20% के अलावा 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, अभी तो 40% का डिस्काउंट चल रहा है ओके। सो यू कैन यूज़ दिस कोड सुष्मिता फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट, और किसी भी कोर्स के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो। ये आपका SBI PO सिलेक्शन बैच है और ये आपका RRB का बैच है ओके। सो आप लोग चाहो जिसे ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं सारे ही बैचेस के। चलो अब चलते हैं अपने सेशन की तरफ और बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले सवाल मैं आपसे पूछ रहा है, इन जून 2021 नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर बुद्धदेव दास गुप्ता पास्ड अवे, विच स्टेट डज ही बिलोंग टू, ठीक है। इनके नाम से क्लियर है समहाउ कि ये कौन से स्टेट को बिलोंग करते होंगे, ठीक है। नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर थे बुद्धदेव दास गुप्ता, इनकी मृत्यु हो गई, कौन से राज्य को ये बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश, व्हाट इज द आंसर। असम, नो, असम इज रॉन्ग, ठीक है। देखो असम एकदम ही गलत होगा, इसका आंसर आपका क्या होगा ओके। सुनील, राहुल, आयुष, पल्लव, किशन, देव, अपूर्व, वीरेंद्र, राकेश, मानवी, सुनील ओके। देखो इसका आंसर क्या होगा, ही हेल्स बेसिकली फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तो इसका आंसर होगा आपका वेस्ट बंगाल ओके। बुद्धदेव दास गुप्ता, ही इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड ही रिसेंटली पास्ड अवे। एक और लोगों को याद रखे रहिएगा, कासव के स्टारर सुमित्रा भावे, इनके बारे में भी हमने पढ़ा था इजंट इट, तो इनके नाम को भी बस याद रखना, बिकॉज इनकी भी अभी रिसेंट ओबिट्यूरी हुई थी ओके। हो सकता है आप लोगों से पूछ लिया जाए, सुमित्रा भावे ओके, इन्हें भी ध्यान रखना। एनीवे वेस्ट बंगाल से रिलेटेड अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो याद रखिएगा वेस्ट बंगाल को आपके अभी अभी 4 स्कॉश अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 स्कॉश अवार्ड दिए गए हैं, क्यों दिए गए हैं इसे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पे आपका टायर पार्क है, ठीक है, और फिर साथ में याद रखना आपको ट्रैम लाइब्रेरी यहाँ पर खुली थी, इजंट इट, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी थी। अपार्ट फ्रॉम दिस वेस्ट बंगाल से याद रखिए कि यहाँ पे 4 स्कॉश अवार्ड दिए गए हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि 4 स्कॉश अवार्ड क्यों दिए गए हैं, किसी को पता है क्यों क्यों दिए गए? एनी वन हु कैन टेल मी, द क्लाइमेट हियर इज चेंजिंग ऑल द टाइम, कभी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, तो कुछ भी होता रहता है यहाँ पे, ठीक है। खैर चलो याद रखिएगा इनकी जो स्कीम्स हैं, ठीक है, 4 स्कॉश अवार्ड की हम लोग बात कर लेते हैं, तो इनकी जो स्कीम आई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव के अंदर, ठीक है, स्टेट की स्कीम है एक बहुत ही, मतलब इसको ध्यान रखे रहेगा, शिल्पा सती, ठीक है, शिल्पा सती एक इस स्कीम को आप लोगों को याद रखना है। बेसिकली सिंगल ऑनलाइन विंडो पोर्टल होगा जिसमें हेल्प करने वाला है, ठीक है, इसे प्लैटिनम अवार्ड दिया गया था, इसको आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है आप लोगों से पूछ लिया जाए। फिर एक और है ऑटो रिन्यूअल सर्टिफिकेट के लिए, इसको दिया गया था, ठीक है। फिर एक लोग इन लोगों की इंपॉर्टेंट स्कीम होती है जिसका नाम क्या होता है, ई नाथीकरण ओके, ई नाथीकरण ओके। तुम लोग को क्लियर हो रहा है, तुम लोग के क्यों कॉमेंट्स अटक रहे हैं बार बार? चलो खैर ठीक है, चलो तुम लोग के कमेंट्स बार बार अटक रहे हैं, ठीक है। तो इनको देखो, इनको एक आपका प्लैटिनम अवार्ड दिया गया था, फिर ऑटो रिन्यूएबल सर्टिफिकेट का था, इन्हें गोल्ड दिया गया था, ई
नशे कारण, ठीक है, इसको जो है, हाँ, ये नाथी कारण जो है इसको क्या दिया गया था, इसको 2 सिल्वर अवार्ड दिए गए थे। ओवरऑल जो है इन्हें 4 स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिए गए थे। ठीक है, चलो अभी तुम लोग के थोड़े थोड़े कमेंट्स बार बार अटक रहे हैं, वो थोड़ा सा रिजोल्व हो जा रहा है, बस होपफुली इट विल बी रिजोल्व सून। ठीक है, अक्सर ये चीज़ हो जाती है मेरे साथ में, आई डोंट नो व्हाई। चलो अगला देख लेते हैं हम लोग। विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन MOU विद द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट टू बिल्ड कॉम्पिटेंसी इन रोड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। ठीक है, देखो यार, ये ऐसा सवाल है ना जो बहुत ही आसान है, बार बार आता रहता है, बिकॉज ये रोड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। रोड ट्रांसपोर्ट इतना कुछ हुआ रहता है ना आए दिन, इसकी एक एक चीज़ें ऐसी हैं जो रटी भी रहती हैं, बिकॉज वो डिस्कशन में भी आए दिन होता रहता है हमारे साथ। एनीवे, पहले इसको बताओ फिर आगे चलते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक MOU पे साइन किया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के साथ में, ताकि कॉम्पिटेंसी बिल्ड की जा सके रोड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में। ऑप्शंस: IIM नागपुर, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन, IISc बेंगलुरु, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड। ठीक है, देखो ये जो हम लोग देख रहे हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ये बेसिकली आपका पुणे में स्थित है। अगर हम लोग जानते हैं लोकेशन तो हम लोग अपने आप ही समझ जाएंगे ये कहाँ से इन्होंने पैक्ट साइन करी होगी। जो रोड कॉम्पिटेंसी, जो कॉम्पिटेंसी बिल्ड करने की बात कर रही है, इसके लिए इन्होंने IIM नागपुर के साथ में एक पैक्ट साइन करी है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे है, इन्होंने पैक्ट साइन कर रखा है, एक तो IIT रुड़की के साथ में किया था। ठीक है, किसके साथ? IIT रुड़की के साथ किया था, और एक इन्होंने IIT BHU के साथ भी किया है। ठीक है, अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं CIRT सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में, और ये मैं आपको बता रही हूँ इन्होंने IIM नागपुर के साथ किया है, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, इन्होंने IIT रुड़की और IIT BHU के साथ किया है। अगर आपसे पूछा जाता है IIT रुड़की के साथ में क्यों किया गया था, तो बेसिकली जो रिसर्च है ना कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके लिए पैक्ट साइन किया गया था। ठीक है, और BHU के साथ में रोड कंस्ट्रक्शन के लिए करने के लिए साइन किया गया था। ओके, तो इन पॉइंट्स को भी याद रखना, हो सकता है इस तरीके से भी आपसे पूछ ले कि किसके साथ में जो है इन्होंने साइन किया है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे सीधा पूछ सकता है। ओके, चलो खैर, एक और बात आप लोग याद रखे रहिएगा, बिकॉज ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि जो हमारी संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे है, ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा किसके पास में है, ये नितिन गडकरी साहब जी के पास में है। ओके, किसके पास? नितिन गडकरी। और ये अक्सर जहां से अपनी इनॉग्रेशन करते हैं आए दिन चीजों की, दैट इज नागपुर, ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी होती है। हो सकता है ये सवाल पूछ ले, हालांकि ये सबसे आसान सवाल हो जाएगा उस पूरे एग्जाम का। अगला क्वेश्चन देख लो, किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी? अगला देखो, आइडेंटिफाई द स्टेट गवर्नमेंट दैट साइंड एन MOU विद सर्वे ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट स्वामित्व स्कीम एंड इशू प्रॉपर्टी कार्ड टू इट्स रूरल लैंड ओनर्स। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कौन सी राज्य सरकार ने एक MOU पे साइन किया है सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में, ताकि स्वामित्व स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सके और प्रॉपर्टी कार्ड को इश्यू कर सके रूरल लैंड ओनर्स के बीच में? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम। हाँ भाई, देखो इसका सीधा सीधा सा आपका आंसर क्या हो जाएगा, हियर योर आंसर विल बी असम। ठीक है, यस, ये असम ने किया है। ओके, अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो किसकी बात हो रही है, स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम को लास्ट ईयर 2020 पंचायती राज दिवस के दिन लॉन्च किया गया था। पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24th of April। ओके, तो ये उस दिन आपका लॉन्च किया गया था, 24th of April को लॉन्च क्यों किया गया था? बेसिकली एक तरीके का आप लोग कह सकते हो प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जिसमें क्या किया जाएगा, मैपिंग की जाएगी ड्रोन्स का यूज करके, और कहा गया था ऐसा करने के लिए 2024-25 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, 4 सालों में इसको किया जाएगा, जिससे तमाम तरीके की जो रूरल डिस्प्यूट्स वगैरह होती हैं वो कम की जा सकेगी। वैलिडेशन कर देगा तो वो आसान हो जाएगा, इजंट इट? इसलिए स्वामित्व स्कीम लॉन्च करी गई थी। अभी जो है कौन सी राज्य सरकार के साथ सर्वे ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है इशू प्रॉपर्टी कार्ड करेगा, ये असम के साथ किया गया था। इस बार जब नेशनल पंचायती राज दिवस हुआ था तो सरकार ने कहा था कि ये ई प्रॉपर्टी कार्ड जारी करेंगे। ठीक है, तो इसी के अंदर असम ने भी अपने एंड से कहा है कि इन्होंने पैक्ट साइन किया जिससे प्रॉपर्टी कार्ड जारी करेंगे, किसको? रूरल लैंड ओनर्स को। ठीक है, ये चीजें आप लोग जरा ध्यान रखे रहिएगा। अब एक और बात याद रखिएगा, इसमें जो है कंप्लीट कितने विलेजेस को जो है कवर करेगा ये स्वामित्व स्कीम के अंडर, कितने विलेजेस कवर किए जाएंगे? कवर किए जाएंगे कंप्लीट 6.62 लाख विलेजेस, इनको कवर किया जाएगा 2024-25 कंप्लीट तक। 6.62 लाख विलेज को पूरी प्रॉपर्टी लैंड वैलिडेशन कर दी जाएगी इसके साथ में। ओके, और एक और बात, कब लॉन्च हुआ था, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 2020 में इसको 24 अप्रैल को लॉन्च किया गया था, जो कि पंचायती राज दिवस होता है। ओके, हमारे वहां पर
पंचायती राज जो होता है ये कौन सी शेड्यूल में दिया रहता है? ये हमारे शेड्यूल 11 में दिया रहता है। ओके चलो आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी? हाँ भाई, फुल फॉर्म भी देख लेना, दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। असम गवर्नमेंट एंड सर्वे ऑफ इंडिया साइंड एन एमओयू, स्वामित्व, ठीक है। फुल फॉर्म नहीं दिया है क्या? हाँ दिया तो है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। इसका फुल फॉर्म याद रखे रहना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ओके डिपेंड करता है हमारी किस्मत पे, कई की बार पढ़ी हुई चीजें आती हैं, कई की बार नहीं आती हैं। फिर देखो, गनगोन डिंको सिंह एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट पास्ड अवे इन जून, इन विच स्पोर्ट डिड ही रिप्रेजेंट इंडिया? ठीक है, क्या पूछ रहा है कि डिंको सिंह जी की मृत्यु हुई है एशियन गेम्स गोल्ड में, ये जो है गोल्ड स्कोर किए थे एशियन गेम्स में। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से स्पोर्ट्स में ये भारत को रिप्रेजेंट किए थे? शूटिंग, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, बैडमिंटन? बहुत सारे बॉक्सर्स आजकल हम लोगों को याद रह रहे हैं, इजेंट इट? यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग, ठीक है। ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन बॉक्सिंग, इस बात को जरा याद रखे रहिएगा। ओके इसके अलावा एक और एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, एक तो मिल्खा सिंह जी को याद रखिएगा जिन्हें फ्लाइंग सिख कहते थे, फिर याद रखिएगा गुलाम मोहम्मद खान जी को, ठीक है। गुलाम मोहम्मद खान ये इक्वेस्ट्रियन में रिप्रेजेंट किए थे भारत को, इजेंट इट? हम लोगों ने इसके बारे में भी पढ़ा था, इक्वेस्ट्रियन। इसके साथ में ये भी याद रखिएगा कि हमने पढ़ा था कि पहली जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड, पहले द्रोणाचार्य अवार्डी जो थे जिन्हें बॉक्सिंग के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था, ओपी भारद्वाज, इनकी भी मृत्यु हुई है। ओके तो इनको भी जरा याद रखना, और लवलीना बोरगोहेन को याद रखो, अमेच्योर बॉक्सर, और इन्हें इस बार ओलंपिक्स में क्या मिला है? ब्रॉन्ज। ओके यस, अगला देख लेते हैं अब हम लोग, कहाँ गए ये? हाँ, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन एमओयू विथ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग द कोर कॉम्पिटेंस ऑफ एनएसजी? फर्स्ट ऑप्शन इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी। जल्दी जल्दी बताओ भाई, RRU? अच्छा, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। ओके ओके यस, वेरी गुड। देखो आपसे क्या पूछ रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने किसके साथ में एक MOU साइन किया है ताकि कोर कॉम्पिटेंस जो NSG की है उसको और बेहतर की जा सके? ओके ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, दैट इज RRU। ओके सही बता रहे थे, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान रखे रहिएगा, इन्होंने एक पैक्ट साइन करा है, आओ देख लेते हैं पहले। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, काउंटर टेररिज्म यूनिट लीडर, द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स साइंड एन MOU विथ राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी फॉर कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन फॉर फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग द कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये बड़ी लंबी चीज होती है, क्यों MOU साइन किया, ठीक है। बोरिंग भी होता है बट रटना होता है। एनर्जी को याद रखे रहिएगा कि 16 अक्टूबर को इन लोगों का रेजिंग डे होता है, और इस साल कौन सा रेजिंग डे इनका होगा? इस साल इनका 37th रेजिंग डे होगा 2021 में, 16 अक्टूबर को याद रखे रहना। कौन हेड है यहाँ पे? गणपति साहब, इनको भी ध्यान रखे रहना, हो सकता है बाई चांस हमसे पूछ लिया जाए, ठीक है। अच्छा चलो, जैसे ये चीज़ें आ गई हैं तो एक बात बताएगा कोई मुझे कि अभी अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक खबर पढ़ी थी महिंद्रा डिफेंस के बारे में। महिंद्रा डिफेंस ने क्या किया था? हमारे डिफेंस मंत्रालय के साथ में एक पैक्ट साइन किया था, चूंकि है बस इसको ऐसे बता रही हूँ, याद रखना बिकॉज ये थोड़ी सी भूलने वाली चीज़ है। ओके महिंद्रा डिफेंस ने हमारे डिफेंस मंत्रालय के साथ में साइन किया था कि ये क्या करेगा, ये 1300 आर्मर्ड स्पेशल लाइट व्हीकल देगा इंडियन आर्मी को, ठीक है। 1300 आर्मर्ड स्पेशल लाइट व्हीकल ASLV देगा इंडियन आर्मी को, कितने रुपए में देने को कहा था? 1056 करोड़, ठीक है। ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं रहता है क्योंकि ये महिंद्रा ने किया और ये हम लोग भूल सकते हैं। ओके इसलिए मैंने सोचा इसके साथ साथ बता दिया जाए। चलो अगला देख लेते हैं। इन जून 2021 पद्मश्री अवार्डी मुनिरत्न आनंद कृष्ण पास्ड अवे, इन विच फील्ड ही रिसीव्ड पद्मश्री? ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है कि जून 2021 में पद्मश्री अवार्डी मुनि रत्न आनंद कृष्णन पास्ड अवे, कौन से फील्ड में ये पद्मश्री पाए थे? साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्ट्स, स्पिरिचुअलिटी, मेडिसिन, लिटरेचर एंड एजुकेशन? व्हाट इज द आंसर? चिल माफिया, मैम प्लीज टेल माय नेम, नो वन डिड।
आई विल बी फेमस, प्लीज रिक्वेस्ट। ओके चिल माफिया, यू आर आंसरिंग वेरी क्विक और काफी अच्छे आंसर्स भी आ रहे हैं, सो चिल माफिया चिल, आंसर करो भाई। हाँ भाई देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका लिटरेचर एंड एजुकेशन। ओके क्या आंसर होगा, लिटरेचर एंड एजुकेशन, इसको जरा आप लोग ध्यान रखे रहना। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेम, पद्मश्री अवार्डी जिनकी अभी अभी डेथ हुई है इनके बारे में अगर हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओके कौन कौन को याद रखना आपको, एक तो एनवायरमेंटलिस्ट राधा मोहन, ठीक है राधा मोहन जी को याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ये भी पद्मश्री अवार्डी थे, इनकी भी अभी हाल फिलहाल में डेथ हुई है। ठीक है फिर इनके अलावा आप लोगों को और किसको याद रखना है, आंसर भी करो थोड़ा तुम लोग, लिटरेचर एंड एजुकेशन इज करेक्ट, इनके अलावा और किसको किसको मिला है जिनके बारे में अभी हम लोग पढ़े थे, सोशल एक्टिविस्ट कुछ याद आया, कौन से सोशल एक्टिविस्ट को पद्मश्री मिला था जिनकी अभी हाल फिलहाल में डेथ हुई है। चलो भैया मैं ही बताती चलती हूँ, डी प्रकाश राव, इनको भी जरा याद रखना, हो सकता है आप लोगों से पूछ ले। इसके अलावा आप लोगों को कौन याद रखने होंगे, न्यूरोलॉजिस्ट अशोक पानगढ़िया। ओके ये थोड़े से कम लोग मतलब इनको भूल जाते हैं हम लोग अक्सर, इसलिए इनके भी नाम को याद रखे रहो। ठीक है चलो अगला, वेयर इज इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव प्लानिंग टू एस्टैब्लिश अ नैनो यूरिया लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एज पर एमओयू साइंड बिटवीन इफको INEAS एंड कोपराग, पुर्तगाल इक्वेडर इटली बांग्लादेश अर्जेंटीना, व्हाट इज द आंसर। हाँ देखो आपसे पूछा जा रहा है कि इफको जो है प्लान कर रही है एक नैनो यूरिया लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने का, एक एमओयू साइन किया गया इफको इनेस और कुपरार के बीच में, कहाँ पर इसको खोलने की बात हो रही है, तो इसको खोलने की बात हो रही है आपकी अर्जेंटीना। ठीक है यस आपका आंसर होगा अर्जेंटीना, इट हैज बीन प्लांट इन अर्जेंटीना। ठीक है देखो भाई कहाँ गया, यस इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको लिमिटेड इज सेट टू एस्टैब्लिश अ नैनो यूरिया लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन अर्जेंटीना इन पार्टनरशिप विद इंस्टीट्यूट नेशनल डी एसोसिएटिव स्मॉय इकोनॉमिया सोशल एंड कुपरा। ठीक है इतनी बात को तो चलो आप लोग याद रखना, एक और भी बात याद रखे रहिएगा आप लोग साथ ही साथ में कि इफको जो है ये इंट्रोड्यूस की थी नैनो यूरिया लिक्विड, ठीक है इसको याद रखे रहिएगा, नैनो यूरिया लिक्विड भी ये इंट्रोड्यूस की थी जब लास्ट टाइम इनकी 50th समिट हुई थी। इसके साथ में एक और बात याद रखिएगा कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है आपकी नई दिल्ली में, किसकी बात हो रही है इफको की, हो सकता है आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाए, सिचुएटेड आपकी नई दिल्ली में है, कब बनाई गई थी इसको ये बताना तुम लोग, चेयरमैन कौन होते हैं BS नकई, ठीक है चेयरमैन इज BS नकई, और अगर आपसे पूछता है कि हु इज द MD तो MD में आपका आंसर क्या हो जाएगा, US अवस्थी। ठीक है US अवस्थी इज द MD। ओके इन पॉइंट्स को ध्यान रखना, बाई चांस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलो अगला देख लेते हैं, इन जून 2021 पद्म विभूषण अवार्डी अनिरुद्ध जगन्नाथ पास्ड अवे, प्रीवियसली ही सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, इसराइल मॉरिशियस बांग्लादेश सिशेल मालदीव्स, व्हाट इज द आंसर। बहुत स्लो तुम लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, बहुत ही स्लो आ रहे हैं, कोई दिक्कत दुख परेशानी है क्या। देखो पद्म विभूषण अवार्डी अनिरुद्ध जुगनाथ, ये बहुत आसान सवाल हो गया क्योंकि इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी दो तीन बार पढ़ चुके हैं, द आंसर विल बी मॉरिशियस। ठीक है बेसिकली ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशियस, इनके बारे में हमने पढ़ा, मेडागास्कर वाले को भी याद रखिएगा डिडियर रैसरिका, ठीक है फिर तंजानिया वाले को भी याद रखिएगा जॉन मैगोफिली, इन लोगों की अभी हाल फिलहाल में डेथ हुई है जो कि लीडर्स थे अपनी अपनी कंट्री के, इन सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है यस अभी ये बताओ कि करंट PM कौन है मॉरिशियस के, हु इज द PM ऑफ मॉरिशियस, एनी वन हु कैन टेल मी, ओके आई एम गेटिंग वन आंसर, प्रवीण जगन्नाथ, बाकी लोग भी बता दो। नेक्स्ट देखो,
Which mineral will be explored under the tripartite MOU signed between MOIL Limited, Madhya Pradesh and MPSMCL? ठीक है, कौन सा मिनरल जो एक्सप्लोर किया जाएगा ट्राइपरटाइट एमओयू की गई है MOIL Limited, मध्य प्रदेश और MPSCL के बीच में? ठीक है, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, थोरियम, बॉक्साइट या मैंगनीज? व्हाट इज द आंसर? प्रवीण जगनौथ, यस, वेरी गुड। ठीक है, इनके बेटे हैं, लेकिन ऑप्शन में तुम्हें कहीं नहीं देगा कि इनके बेटे हैं कि नहीं है। ठीक है, नाम आएगा तो इनके बेटे मत कहो। अगला देखो, इसका आंसर करो। ठीक है, कौन से मिनरल की एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है, एक ट्राइपरटाइट एमओयू किया गया? द आंसर हियर विल बी मैंगनीज। ठीक है, किसकी बात हो रही है? मैंगनीज की बात हो रही है। डीसल्फराइज, डी कार्बोनाइज, इन सारी चीज़ों को करने में बेसिकली इसका यूज किया जाता है, इजंट इट? तो इसकी जो है अभी एक्सप्लोरेशन की बात की गई है, ये ट्राइपरटाइट एग्रीमेंट साइन किया गया है MPSMCL, MOIL Limited और मध्य प्रदेश के बीच में। ओके, इन बातों को आप लोग याद रखे रहना। इसके अलावा एक और भी बात याद रखिएगा कि ये चार डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा, बालाघाट, जबलपुर, झाबुआ, छिंदवाड़ा। ओके, चलो मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक और दो बातों को ध्यान रखे रहो, हो सकता है पूछ लिया जाए कि यहाँ पे अभी देवरण्य स्कीम लाया गया था, ठीक है, इससे जो है यहाँ का आयुर्वेद प्रमोट किया जाएगा। इसके साथ में और क्या याद रखे रहना हमें कि यहाँ पे लॉन्च पैड स्कीम जारी की गई थी, जो भी 18 इयर्स अबव बॉयज एंड गर्ल्स हैं, जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स के हैं, उनके लिए इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके साथ में और क्या याद रखना है? फ्लोटिंग सोलर प्लांट, ठीक है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, और ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? नर्मदा रिवर ओमकारेश्वर डैम। अगर पूछा जाता है कब तक कंप्लीट होगी, तो इसको कमीशन किया जाएगा 2023 में। इसमें कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट आया था? तो दैट वुड बी 3000 करोड़ रुपीज हैव बीन इन्वेस्टेड। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों को याद रखना होगा, एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। ओके, यस, चलो अगला देख ले। देखो अब आपसे क्या पूछ रहा है, एमिनेंट ऑथर एरिक कार्ल पास्ड अवे इन मई 2021, नेम द फेमस पिक्चर बुक ऑथर्ड बाय हिम। किसके बारे में आपसे पूछ रहा है? एरिक कार्ल के बारे में पूछ रहा है। इनकी मृत्यु हुई है मई 2021 में। कौन सी फेमस पिक्चर बुक थी जो इन्होंने लिखी थी? वेयर द वाइल्ड थिंग्स आर, द वेरी हंग्री कैटरपिलर, गुड नाइट मून, द टेल ऑफ पीटर रैबिट, द स्नोई डे। व्हाट इज द आंसर? वेरी गुड, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? द आंसर विल बी द वेरी हंग्री कैटरपिलर। ओके, मुझे कुछ और ही याद आ रहा था, कैटरपिलर आर रियली हंग्री। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने लिखी थी, इनकी जो पिक्चर बुक थी दैट वॉज द वेरी हंग्री कैटरपिलर। ओके, एंड वॉट वॉज इज नेम? रिमेंबर द नेम वॉज एरिक कार्ल। इनकी मृत्यु हुई है। ओके, अच्छा, अब अगर हम लोग बुक्स से रिलेटेड बात करते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि इस बार का जो बुकर प्राइज है ये डेविड डायोप को दिया गया है। पहले ऐसे फ्रेंच हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। ठीक है, और इनकी जो बेसिकली इनकी जो किताब थी वो कौन सी थी? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। पेन पिंटर प्राइज हमने पढ़ लिया है, सीसी देंगा रेमका को मिला है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ा है। व्यास प्राइज हमने पढ़ रखा है, और व्यास प्राइज के साथ हमने सरस्वती सम्मान भी पढ़ रखा है। ठीक है, एक बात बताओ, सरस्वती सम्मान किसको दिया गया इस बार का? ठीक है, सरस्वती सम्मान, ये बताओ जरा, ये किसको मिला है? और पिगाले साहब को कौन सा अवार्ड मिला है? डेविड डायोप, सबसे आसान चीज है ना। अभी ये बताओ, एक लिम्बाले साहब है, एक पिगाले साहब है। ठीक है, शिव कुमार लिम्बाले, ठीक है, सरस्वती सम्मान। शरद पिगाले जी को क्या दिया गया है? व्यास सम्मान। ठीक है, आ जाओ अगला देख लेते हैं। In June 2021, Jharkhand State Cricket Association signed an MOU with SAIL to establish an international cricket stadium. Where is the stadium planned to be constructed? ये जो स्टेडियम है इसको कहाँ पे बनाने की बात हो रही है? धनबाद, बोकारो, रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग। What is the answer? Very good. देखो, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने एक एमओयू पे साइन किया था सेल के साथ में कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाए। इसको कहाँ पर बनाने की बात हो रही है? इन बोकारो। ओके, यस, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बोकारो। अब जरा देखिएगा, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन साइंड एमओयू विद सेल बोकारो स्टील प्लांट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन बोकारो सिटी, झारखंड। ओके, इसके साथ में याद रखिएगा आप लोग। हाँ, अब वहाँ भी आपका क्रिकेट स्टेडियम रहेगा, जो सबसे बड़ा पूरे विश्व का क्रिकेट स्टेडियम है, ये कौन सा होता है? ये आपका मोटेरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। कहाँ पर है? अहमदाबाद, गुजरात में। थर्ड लार्जेस्ट बनने की बात हुई है जयपुर में। इसके अलावा जो एक और अभी रिसेंट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारे सामने है, झारखंड में बनाया जाएगा बोकारो के अंदर। इन सबको याद रखिएगा। ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट को देखने के लिए जो बॉडी होती है दैट इज़ ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि सिचुएटेड है दुबई में,
ओके, यहाँ पे आपके सीईओ मनु सोने होते हैं और चेयरमैन आपके ग्रेग ब्राकले हो जाएंगे, ठीक है? इन दोनों लोगों को याद रखिएगा। इंडियन लेवल पर कौन देखते हैं? इंडियन लेवल पर देखने के लिए आपकी बीसीसीआई होती है। रिसेंटली कौन से क्रिकेटर की डेथ हुई थी? यशपाल शर्मा जी की। इन सारी बातों को ध्यान रखना है, ठीक है? चलो अब एक और बात बताना, ठीक है, कि अभी हाल फिलहाल में सीईओ कोई नए बनाए गए हैं या मनु सोने ही हैं? अभी रिसेंट की बात अगर की जाए तो अभी हाल फिलहाल में मनु सोने ही हैं या कोई नए सीईओ आए हैं, बताना, ठीक है? चलो ये भी हम लोग जल्दी पढ़ेंगे अपने सेशन में, ऐसी कोई बात नहीं है। अगला देख लो, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक एमओयू पे साइन किया है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड प्रेफरेंशियल प्राइसिंग फॉर एमएसएमई एक्सपोर्टर फॉर क्रॉस बॉर्डर शिपमेंट? एल कार्गो लॉजिस्टिक, एरामेक्स इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अडानी लॉजिस्टिक्स या ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? व्हाट इज द आंसर? हाँ, मनु सोने रिजाइन, तो फिर कोई आए हैं या अभी तक वही हैं, ये मैं पूछ रही हूँ, ठीक है? ओके, आई एम गेटिंग वन आंसर, नॉट वन आंसर बट एक्चुअली काफी सारे आंसर्स हैं आप लोगों के, ठीक है? चलो अभी सही है। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एरमैक्स इंडिया। देखो क्या बात हो रही थी, बात हो रही थी आपकी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक एमओयू पे साइन किया है एफआईईओ के साथ में कि प्रेफरेंशियल प्राइसिंग दी जा सके एमएसएमई को, एमएसएमई के जो एक्सपोर्टर्स हैं इनको सपोर्ट करने के लिए बेसिकली ये एमओयू साइन किया गया है एरामैक्स और एफआईईओ के बीच में, बस इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है? अभी रिसेंट एक चीज़ किया गया था कि पीएसएल के अंदर जो है किसको किसको, रिटेल और होलसेल वालों को भी क्या किया गया था, इनको भी इंक्लूड कर लिया गया था एमएसएमईज के अंडर। ओके, तो ये थोड़ी एक नई चीज़ थी जो इन्होंने किया था, ठीक है? फिर एक और चीज़ याद रखे रहिएगा कि वर्ल्ड बैंक ने भारत के साथ में 500 मिलियन डॉलर के पैक्ट पे साइन किया है। क्यों किया है? ताकि एमएसएमई सेक्टर को बूस्टअप किया जा सके। कितने पे? 500 मिलियन डॉलर के पैक्ट पे साइन किया है वर्ल्ड बैंक ने, ताकि भारत के एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट किया जा सके। अगर आपसे बोला जाता है कि एमएसएमई ओवरऑल जीडीपी और एक्सपोर्ट में अपना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, तो जीडीपी में देखा जाए एमएसएमई का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज अप्रोक्स 30%, और एक्सपोर्ट्स में एमएसएमईज का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कितना? 4%, ठीक है? अब ये बताओ एमएसएमई के मिनिस्टर कौन है फिलहाल? अभी थोड़ा न्यूज में भी थे ये, इजेंट इट? एमएसएमई मिनिस्टर अभी कौन है? हाँ, रिटेल और होलसेल को किया गया था, पीएसएल को ध्यान में रखते हुए इन लोगों को इंक्लूड किया गया था एमएसएमई में, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन हैं। यार अभी ये बता दो हाँ भाई रानी साहब, अभी अभी अरेस्टमेंट अरेस्टमेंट वाली बात थोड़ी सी आई थी, इजेंट इट? चलो खैर, अगला देख लो, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज प्लानिंग टू बिल्ड अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, अमेजोन? व्हाट इज द आंसर? ये आजकल बड़ी फेमस, मतलब ये डेली हम लोग न्यूज में इनके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि वो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में? फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम या अमेजोन? व्हाट इज द आंसर? यस, द आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। चीफ इज सत्या नाडेला, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट ने कही है ये बात। देखो, अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड साइन एन एमओयू विद माइक्रोसॉफ्ट टू बिल्ड अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट AJNIFM एनेबल्ड विद AI एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें इस समय किए हैं। 2030 में ये कार्बन निगेटिव होने को कहा है, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ में भी पैक्ट साइन किया है ताकि चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी के साथ में सारी डेटास कलेक्ट की जा सके और सारी ही फार्मर्स की इनकम डबल करने की जो हमारी कोशिश है, तो तमाम सब्सिडीज और जो भी चीज़ें अलॉट करनी है वो दे के हम लोग उसे डबल कर सके, इजंट इट? अच्छा, जैसे हम लोग AI की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम लोग वहाँ पे जो AI को बढ़ाने के लिए ओवरऑल लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए एक संस्था वर्क करती है, ये कौन है आपकी? ये एक एम है, ठीक है? अटल इनोवेशन मिशन, ये बेसिकली इनोवेटिव मिशंस पे वर्क करती है। तो बस भूलना मत, एक चीज़ को याद रखे रहना आप लोग, कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अटल इनोवेशन मिशन ने मैथ वर्क के साथ में पैक्ट साइन किया है, किस लिए? डीप टेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए। ओके, इसको भी बस ध्यान रखे रहना, ये भी थोड़ी मिलती जुलती खबर है, ध्यान रखना, और ये थोड़ा भूलने वाली चीज़ है बिकॉज ये मैथ वर्क इतना ज़्यादा हम लोग सुनते नहीं है, इसको याद रखना। एम ने मैथ वर्क के साथ में पैक्ट साइन किया है डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए। ओके चलो अगला देख लेते हैं। हाँ, AI फॉर ऑल इनिशिएटिव इनका था इंटेल और CBSE के साथ में, वेरी गुड, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे IBM हम देख रहे हैं, IBM ने जो है स्टेम के लिए कौन सी
राज्य सरकार के साथ में पैक्ट साइन किया था। आईबीएम ने स्टेम के लिए कौन सी राज्य सरकार के साथ में एक पैक्ट साइन किया था? एनीवन हु कैन टेल मी? यस दैट वुड बी उत्तराखंड। ठीक है, अमेजोन ने अपना जो है डेटा सेंटर कहाँ खोलने को कहा है? गुजरात, डिजिटल सेंटर। ओके चलो अगला देख लेते हैं अभी। नेम द मिनिस्ट्री दैट साइंड अ ज्वाइंट कम्युनिकेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ये भी देख के हमारे क्लियर हो जाएगा कि क्या होना चाहिए। कौन सी मंत्रालय ने एक ज्वाइंट कम्युनिकेशन पे साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के साथ में इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। व्हाट इज द आंसर? मोटा। यस द आंसर विल बी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके मोटा ने साइन किया है। देखो द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज साइंड अ ज्वाइंट कम्युनिकेशन इन न्यू दिल्ली टू गिव मोर पावर्स टू द ट्राइबल कम्युनिटीज इन मैनेजिंग द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। द प्लान फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ठीक है चलो ये बातें तो हमने देख ली। ओके मोटा की हम लोग बात कर लेते हैं, तो याद रखे रहिएगा मोटा किसके पास में है? अर्जुन मुंडा जी के पास में है, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी खुंती होती है। पता नहीं कितना कितनी बार हम लोग इसके बारे में बात कर रखे हैं, इजंट इट। इसके अलावा जब हम लोग बात कर लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है तो एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, तो ये किसके पास में? अश्विनी चौबे जी के पास में। ठीक है इसको भी आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है बाई चांस कभी पूछ ले। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक चीज़ याद रखिएगा कि इस साल जो फ्रांस के साथ में हम लोगों ने कौन सा ईयर सेलिब्रेट करने को कहा था, दैट वॉज बेसिकली बताओ भाई इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट, भारत और फ्रांस मिलकर के इसको मना रहा है, सब लोग ध्यान रखे रहना। ठीक है इसके अलावा और क्या याद रखना है कि इन्होंने नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान भी लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की बात हो रही है, क्या लॉन्च किया था? नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान। ठीक है तो ये सारे पॉइंट्स को याद रखे रहना। मूविंग टू द नेक्स्ट, अगला देखें, किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी? नेक्स्ट, नेम द कंपनी दैट साइंड एन एमओयू विथ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू प्रोवाइड एक्सटेंसिव विजिबिलिटी टू अकोमोडेशन यूनिट रजिस्टर्ड ऑन द ओटीए दैट इज ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी प्लेटफॉर्म। ओके क्या आपसे पूछ रहा है कौन सी कंपनी ने एक एमओयू पे साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ में ताकि एक्सटेंसिव विजिबिलिटी एकोमोडेशन यूनिट्स को दी जा सके जो कि रजिस्टर्ड है ओटीए प्लेटफॉर्म पर? मेक माई ट्रिप, यात्रा, आईबीबो, रेड बस, इज माई ट्रिप। द आंसर इज हाँ, इसको सब लगभग बताया हो बिल्कुल सही, यात्रा। ठीक है इसका आंसर आपका यात्रा हो जाएगा। अभी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है इन्होंने एक्सटेंसिव विजिबिलिटी टू अकोमोडेशन प्रोवाइड करने के लिए क्या किया है, जो यूनिट रजिस्टर्ड है ओटीए पे इनके लिए बेसिकली किया गया है। इसके लिए इन्होंने यात्रा के साथ में एक पैक्ट साइन करी है, इसको बस याद रखे रहना। ओटीए को याद रखना क्या होता है फुल फॉर्म, ये आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से। ओके तो इसका फुल फॉर्म याद रखना। अच्छा इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो फिलहाल में किसके पास में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म होती है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म आपकी है जी किशन रेड्डी जी के पास। ठीक है याद रखे रहना इनको, जी किशन रेड्डी। ओके अब देखो ये जो पैक्ट साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जो किया है ट्रैवल एजेंसी यात्रा के साथ में ताकि हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर को अच्छा किया जा सके, इससे जो है प्रोवाइड की जाएगी एक्सटेंसिव विजिबिलिटी एकोमोडेशन यूनिट्स को जो कि सेल्फ सर्टिफाइड किए हैं खुद को, साथ ही ऐप को लॉन्च किया गया था आज से 2-3 साल पहले। इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ऑन द ओटी ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी प्लेटफॉर्म। ओके चलो ये बात तो हमने देख ली, अब एक बात याद रखिएगा बेसिकली ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए ही साथ ही लॉन्च किया गया था। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्रसाद स्कीम। ओके इसके अलावा एक प्रसाद स्कीम होती है, इसको भी ध्यान रखना। प्रसाद को लॉन्च किया गया था, अभी इसके बारे में गुजरात न्यूज़ में आएगा तो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है प्रसाद के अंदर ही अभी आप लोगों के वहाँ पे गुजरात में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें की गई, अनाउंसमेंट्स की गई हैं, वो प्रसाद के अंदर की गई हैं। ठीक है तो ये दो इंपॉर्टेंट स्कीम्स आप लोग याद रखिएगा किसके अंडर होती हैं, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर होते हैं। टूरिज्म डे हमारे वहाँ पे कब होता है? 27 सितंबर को होता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। नेशनल टूरिज्म डे कब होता है किसी को पता है?
व्हेन इज नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड, ये भी होता है, इसको बताना जरा, ठीक है। अच्छा एक और भी चीज़ को साथ में आप लोग ध्यान रखे रहिएगा कि जो हम लोग बात कर रहे हैं टूरिज्म, तो अभी हमने ये भी पढ़ा था कि जो ट्रेवल एजेंसी और एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने पैक्ट साइन किया है कजाकिस्तान के साथ में, ताकि टूरिज्म पे दोनों क्या कर सकें, एक दूसरे को स्ट्रेंथन कर सकें। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखे रहना, ठीक है। चलो अगला देख लो। आइडेंटिफाई द कंपनी दैट साइंड एन एयरक्राफ्ट परचेज अग्रीमेंट विथ विमान एविएशन सर्विसेज ऑफ गिफ्ट सिटी, ठीक है। कौन सी कंपनी ने एक एयरक्राफ्ट परचेज अग्रीमेंट पे साइन किया है विमान एविएशन सर्विसेज ऑफ गिफ्ट सिटी के साथ? सुप्रीम एविएशन, एयरबस हेलीकॉप्टर, एनस्ट्रॉम हेलीकॉप्टर, एचएल हेलीकॉप्टर या सिकोर्सकी एयरक्राफ्ट? व्हाट इज द आंसर? नेशनल टूरिज्म डे 25 जन। हाँ, और 25 जन को इसके अलावा क्या होता है? वेरी गुड। खानपुरम प्रियंका, संजय अपूर्व, राहुल कुमार, जीत रोशनी, रघुनाथ, मयंक, आयुष देव, आयुष अखिल, कुमार जीत। वेरी गुड। द आंसर हियर विल बी एयरबस हेलीकॉप्टर SAS, ठीक है। देखो, विमान एविएशन सर्विसेज बिकेम द फर्स्ट गिफ्ट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गांधीनगर बेस्ड एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी टू साइन एन एयरक्राफ्ट परचेज अग्रीमेंट आफ्टर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर एन एयरबस H125 हेलीकॉप्टर विद फ्रांस बेस्ड एयरबस हेलीकॉप्टर SAS। फ्रांस बेस्ड डसॉल्ट को भी याद रखे रहिएगा, ठीक है। अभी अभी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, किसका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था बताइएगा, इनका नाम क्या होता है? ओके, फिर मैंने अभी आपको बताया महिंद्रा डिफेंस ने पैक्ट साइन किया है हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ में ALSV के लिए, ठीक है। स्पेशल व्हीकल्स इंडियन आर्मी के लिए किया गया है, और ये कितने करोड़ का किया गया है बताओ, अभी अभी बताया गया आपसे, इजंट इट। इसके साथ में एक और बात को आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि हमारे वहाँ पे जो BCAS की डायरेक्टोरेट जनरल बनाए गए हैं नसीर कमल, ठीक है। वेरी गुड। कनिका टागोर इज आंसरिंग 25 जैन वोटर्स जैन हिमाचल स्टेट हुड डे। वेरी गुड, ठीक है। हाँ चलो, ये नसीर कमल बनाई गई थी डायरेक्टोरेट जनरल BCAS की। ओके आ जाओ, अगला देख लिया हम लोग। नेम द कंट्री दैट रिसेंटली साइंड एन MOU विद इंडिया फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ गवर्नेंस एंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सी कंट्री ने एक MOU पे साइन किया भारत के साथ में गवर्नेंस और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? यूनाइटेड किंगडम, इटली, गाम्बिया, लिथुनिया या उगांडा? व्हाट इज द आंसर? इस देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गाम्बिया, ठीक है। अभी जो है गाम्बिया ने एक MOU पे साइन किया है इंडिया के साथ में गवर्नेंस और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अच्छा, गाम्बिया से जाम्बिया भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर मिलता है ना, क्या मिलता है? जाम्बिया। जाम्बिया से ये याद रखिएगा कि जो जाम्बिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जिनका नाम क्या था, केनेथ कोंडा, इनकी अभी अभी रिसेंटली रिसेंटली क्या, ये ऑबिट्वरी सेक्शन में आएगा इस बार हमारा, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। केनेथ कोंडा, इनकी अभी मृत्यु हुई थी, तो ये गाम्बिया से जाम्बिया याद आया इसलिए बताया, ठीक है। इसको बस आप लोगों को अपने अपने दिमाग में रखना होगा, मे बी एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। चलो खैर, ये जो साइन किया गया गवर्नेंस और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में, ये गाम्बिया के साथ किया गया। कुछ और तीन चार याद रखिएगा। इटली ने कहा है कि ये हमारे वहाँ पे मेगा फूड पार्क बनवाएगा गुजरात के अंदर, ठीक है। इसराइल और फिजी ने हमारे साथ में एग्रीकल्चर पे साइन किया है पैक्ट, ठीक है। इसराइल ने अपना पूरा स्पेशल पैक्ट साइन किया हुआ है एग्रीकल्चर पे हमारा। इसके अलावा इसराइल ने हमारे साथ में जो है IT सेक्टर और साइबर सिक्योरिटी पे भी पैक्ट साइन किया है। फ्रांस के साथ में हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी पे पैक्ट साइन कर रखा है, ठीक है। किस पे? रिन्यूएबल एनर्जी पे। फिर डेनमार्क के साथ में हमारी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑलरेडी चल रही है, भारत और डेनमार्क की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। इसके साथ में आप लोगों को और क्या याद रखना होगा कि अभी जो है कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि भारत और जापान में स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स के ऊपर कोल, स्टील, टेक्सटाइल, इन सब के ऊपर सबके साथ सबके लिए MOU जापान के साथ में भी भारत की चल रही है, इजंट इट। तो ये सारी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं जो इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के साथ में 5 MOU साइन हुए थे, उसमें जो एक इंपॉर्टेंट था दैट वाज नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट को कहोगे, इसके लिए बांग्लादेश के साथ में साइन किया गया था। ये सारे MOUs हैं जो अभी हाल फिलहाल में पढ़े गए थे। ओके चलो अगला देख ले। यहाँ पे देख लो, थोड़ी सी डिटेल्स हैं।
कैपिटल बांजुल एंड करेंसी गाम्बियन दलासी। ओके, इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है गाम्बिया के साथ में ताकि स्ट्रेदन किया जा सके, प्रमोट किया जा सके, बायलैटरल कोऑपरेशन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस रिफॉर्म में दोनों कंट्री शेयर करेंगे एक्सपर्टीज, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम और ई रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट में। अगला देखो, इन जुलाई 2021 14 कंपनीज साइंड एमओयूज अंडर वाईएसआर चियोता स्कीम टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड वाईएसआर चियोता स्कीम? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। ये सबसे आसान सवाल बन जाएगा क्योंकि इसमें वाईएसआर लग चुका है, बताओ। यस, कभी भी वाईएसआर लग जाता है तो अपने आप ही हमारा आंसर हो जाता है क्लियर। द आंसर विल बी आंध्र प्रदेश। ठीक है, देखो, आंध्र प्रदेश ने एमओयू साइन किया 14 डिफरेंट कंपनीज के साथ में अपनी वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम वाईएसआर चेयरता स्कीम, जो कोलैबोरेशन है। इससे जो लाइवलीहुड है 6 लाख वुमेन्स का, उसको अच्छा किया जाएगा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के थ्रू इस कंपनीज के द्वारा। इजंट इट मोस्ट हेल्पफुल सीएम, काइंड ऑफ कह सकते हो, सबसे ज्यादा हेल्पफुल सीएम है आप लोगों के लिए। ठीक है, खैर चलो, अगर हम लोग एपी की थोड़ी बात कर लेते हैं और जो हो सकता है हम लोगों से पूछा जाए, तो एपी ने अपना, आंध्र प्रदेश ने अपना सॉल्ट स्कीम जारी किया था। ठीक है, फिर एक और इम्पोर्टेंट इन्होंने स्कीम कौन सी जारी की थी, जगन देवीना स्कीम, इसको भी जरा ध्यान में रखो। ठीक है, इसके साथ में एक और बात आप लोग याद रखिएगा कि फ्लोटर सोलर पीवी प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट यहाँ पे एनटीपीसी जारी कर रहा है 25 मेगावाट का। कहाँ पे करेगा, हो सकता है आप लोगों से पूछ लिया जाए, सिम्हाद्री थर्मल स्टेशन पे। ठीक है, सिम्हाद्री थर्मल स्टेशन विशाखापट्टनम, ये भी आ सकता है सिम्हाद्री थर्मल स्टेशन कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोलर पीवी प्रोजेक्ट लॉन्च करने को कहा है एनटीपीसी ने। हाँ ठीक है, तो इस पॉइंट को जरा आप सभी लोग ध्यान में रखे रहना, हो सकता है आप लोगों से पूछ लिया जाए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, इजंट इट। चलो खैर, और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किस सेक्टर का होता है, ये होता है फिशरीज का। ओके, लगभग 8.5% तक। फिशरीज हब कहाँ बनेगा, गोवा। ठीक है, आ जाओ अगला देख ले। आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूशन दैट साइंड एन एमओयू विथ हाइनोट फाउंडेशन एंड एचिनिज्म होल्डिंग्स टू ट्रेन इंडियन स्टूडेंट फॉर प्लेसमेंट इन जापान। गुरु गोबिंद सिंह, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस स्किल्स एंड ओपन यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, टीम लीज स्किल यूनिवर्सिटी। बताओ भी, द आंसर इज दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। ठीक है, दिल्ली स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी ने एक एमओयू पे साइन किया है हाईनोट के साथ में, ताकि ट्रेन किया जा सके इंडियन स्टूडेंट्स को जापान में प्लेसमेंट्स के लिए। ठीक है ना, तो इसको जरा आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, इजंट इट। इसके साथ में एक और याद रखिएगा बात को, दिल्ली जो है अभी दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पहली ईवी फ्रेंडली हाईवे बनी है, जो हमने पढ़ा था। दिल्ली अपने वहाँ पे इंस्टीट्यूट और स्कूल को सोलराइज करने के लिए ओकरिज के साथ में एक समझौता करी है। ठीक है, ओकरिज कंपनी के साथ में दिल्ली ने समझौता किया है कि ये अपने वहाँ पर जो है स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स को सोलराइज करेगा 2022 तक, ऐसे 1000 संस्थाओं को सोलराइज करने के लिए इन्होंने कहा है। किसकी बात हो रही है, दिल्ली। सीएम कौन होते हैं, अरविंद केजरीवाल जी, गवर्नर बैजल साहब। ओके, अगला देख लो, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक एमओयू पे साइन किया है गुजरात के साथ में, ताकि यूनाइट की जा सके सारी इंस्टीट्यूशंस को फंक्शनिंग इन आयुर्वेद कैंपस जामनगर गुजरात अंडर अ सिंगल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या उसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन एमओयू विद गुजरात टू यूनाइट ऑल इंस्टीट्यूशंस फंक्शनिंग इन द आयुर्वेदा कैंपस जामनगर गुजरात अंडर अ सिंगल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, पहला स्मोक टावर भी आपका दिल्ली में शुरू किया गया, करेक्ट। इसका आंसर क्या है, नेशनल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर पंचकर्मा, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड रिसर्च, सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। व्हाट इज द आंसर, देखो भाई आपका आंसर होगा इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद।
ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद साइंड एन एमओयू विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात टू यूनाइट ऑल द इंस्टीट्यूशंस फंक्शनिंग इन द आयुर्वेद कैंपस जामनगर गुजरात अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ITRA एंड स्ट्रेंथन द एजुकेशन सिस्टम इन ऑल ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेद। ठीक है, चलो ये तो हमने देख लिया, इन लोगों ने मिलकर के साइन किया है। अभी अभी अगर आपको याद होगा तो गुजरात में काफ़ी सारे स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं प्रसाद स्कीम के अंडर। ठीक है, ये सोमनाथ में किया गया है, अगर आप लोगों को ध्यान हो, इजेंट इट, सोमनाथ में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट्स ओपन किए गए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको याद रखिएगा, एक तो एग्जीबिशन सेंटर की बात हुई है कि एक आपका एग्जीबिशन सेंटर बनेगा, ओके। और इसके अलावा में क्या याद रखिएगा, श्री पार्वती टेम्पल जिनकी बात की गई है, जो प्रोजेक्ट है इनकी कॉस्ट अप्रॉक्स कितनी बताई जा रही है, 47 करोड़ की। ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी देख रखा था। फिर आपको ये भी बताया गया था, गुजरात में कुछ दिन पहले आपको मैंने बताया था अमेजोन अपना डिजिटल केंद्र यहाँ पर शुरू कर रहा है, इजेंट इट, डिजिटल सेंटर, डिजिटल केंद्र, पहला अमेजोन यहाँ पर अपना डाल रहा है, इजेंट इट। और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि गुजरात में कुछ दिन पहले बालिका पंचायत कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, बालिका पंचायत, ये सारी बातें हमने पढ़ी है रिलेटेड टू गुजरात। हाँ, इनकी अपनी एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन स्कीम भी लागू की गई है। फिर सी प्लेन सर्विस लागू की गई थी, वो तो लास्ट ईयर ही हुआ था। खैर चलो, विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एन एमओयू विद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस IIM शिलोंग टू मेक देम एज इट्स नॉलेज पार्टनर। क्या आपसे पूछ रहा है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने एक MOU भी साइन किया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस IIM शिलोंग के साथ में कि वो उन्हें अपना एक नॉलेज पार्टनर बनाए। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, असम, त्रिपुरा। द आंसर इज, हाँ, आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हाँ, इस पे आपका आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश, याद रख के रहिएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस IIM शिलोंग साइन एन MOU विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन एज द ऑफिशियल थिंक टैंक एंड नॉलेज पार्टनर ऑफ स्टेट। ठीक है, अच्छा, अरुणाचल प्रदेश से याद रखिएगा सेला टनल, अभी इसका लास्ट ब्लास्ट किया गया था, इजेंट इट। एक बात बताओ, हु इज द CM एंड गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एनीवन हु कैन टेल मी हु इज द CM एंड हु इज द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, फटाफट बताओ। थोड़ा दिमाग चलाओ और बताओ, बहुत आसान सवाल है। पेमा खांडू CM, हु इज द गवर्नर, BD मिश्रा। आई गॉट टू आंसर्स, पेमा खांडू एंड BD मिश्रा। ठीक है, बाकी लोग देखते रहो। अगला देखो, नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट रिसेंटली साइंड एन MOU विद AI बेस्ड प्लेटफॉर्म जियो Imbibe टू प्रोवाइड AI बेस्ड लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स। केरल, गोवा, गुजरात, मिजोरम, सिक्किम, वॉट इज द आंसर? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने एक MOU पे साइन किया है AI बेस्ड प्लेटफॉर्म जियो Imbibe के साथ में ताकि AI बेस्ड लर्निंग लाई जा सके स्टूडेंट्स के लिए? केरल, गोवा, गुजरात, मिजोरम या सिक्किम? द आंसर हियर विल बी, केरल बता रहे हो मैक्सिमम लोग, यू थिंक इट्स करेक्ट, रॉन्ग। ठीक है, गोवा देख लो। गोवा साइंड इन MOU विद जियो Imbibe आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म टू ऑफर AI बेस्ड लर्निंग फॉर स्टूडेंट। जियो Imbibe इज ओन्ड बाई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। द स्टेप हैज ऑल्सो साइंड, सॉरी, द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो साइंड MOU विद एड्यूसफन टेक्नोलॉजीज टू ऑफर स्टेप ऐप गेमिफाइड डिजिटल लर्निंग ऐप फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेज 6 to 12। ओके, अच्छा, गोवा से एक और बात याद रखिएगा कि अभी आपकी जो SDG की लिस्ट आई थी उसमें गोवा जो है ये वाटर और सैनिटेशन में टॉप किया था, केरल एजुकेशन में टॉप किया था, इसको ज़रा ध्यान रखना। गोवा किस में किया था? वाटर और सैनिटेशन में। तमिलनाडु रिमूविंग पॉवर्टी में, ये आपकी SDG की लिस्ट आई थी, इसमें ऐसे स्टेट्स टॉप किए थे, वो सबको ध्यान रखे रहना। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी में छत्तीसगढ़ टॉप पर था। खैर चलो, ये तो हमने देख लिया। हाँ, रबीज फ्री स्टेट पहले तो याद रखो गोवा, फिर गोवा ऐसा पहला स्टेट बना था जिसने अपने वहाँ पर 24/7 पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर देने की सुविधा सभी गाँवों में कंप्लीट कराई थी जल जीवन मिशन के अंदर। इसके साथ में गोवा में आपका फिशरीज हब अनाउंस किया गया है, बनाया जाएगा, 400 करोड़ की अलॉटमेंट की गई है। ठीक है, और यहाँ पे 70 विलेजेस हैं, किसकी? फिशरीज वाले। इन 70 विलेजेस में 70 सागर मित्र को अपॉइंट किया जाएगा जो कि एक
करेगा सरकार और फार्मर्स के बीच में, ठीक है? ये सारी चीजों को याद रखिएगा, रिलेटेड टू गोवा ओनली, ओके? अगला, इन जुलाई 2021 दानिश सिद्दीकी पुलित्जर प्राइज विनिंग इंडियन जर्नलिस्ट वॉज किल्ड इन अ मिलिटेंट अटैक इन विच कंट्री? इराक, सीरिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यमन। व्हाट इज द आंसर? हाँ, अभी ये तो बहुत ही आसान सवाल हो जाएगा, इजेंट इट? द आंसर विल बी अफगानिस्तान। देखो, इंडियन फोटो जर्नलिस्ट एंड पुलित्जर विनर दानिश सिद्दीकी वॉज किल्ड बाय द तालिबान मिलिटेंट्स इन स्पिन बोल्डाक डिस्ट्रिक्ट ऑफ अफगानिस्तान कंडहार प्रोविंस। ही अलॉन्ग विद हिज को वर्कर्स फ्रॉम रॉयटर्स वन द पुलित्जर प्राइज इन 2018 फॉर कवरिंग द रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस इन बांग्लादेश। हाँ, शतूत डैम और सलमा डैम जो है ये अफगानिस्तान में किसने बनाया है? भारत ने बनवाया है। और ये भी याद रखिएगा, सलमा आपका हरिहर रिवर पर होता है, ओके? चलो खैर, अगला देख लो। इन जुलाई 2021 भागीरथी अम्मा द ओल्डेस्ट लर्नर ऑफ विच स्टेट पास्ड अवे? तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल। यस, ओल्डेस्ट लर्नर की बात कर रहा है। कल जब हम लोग आर गौरी अम्मा के बारे में पढ़ रहे थे, हु इज द ओल्डेस्ट पॉलिटिशियन, तब मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था। ये आपका आंसर हो जाएगा केरल, ओके? शी हेल्ड फ्रॉम केरल, ध्यान में रखना है आपको। व्हाट वॉज द नेम? भागीरथी अम्मा, शी वॉज द ओल्डेस्ट लर्नर ऑफ केरल, ठीक है? तो इनको जरा ध्यान रखना। कल हमने आर गौरी अम्मा के बारे में पढ़ा, एंड शी वॉज द ओल्डेस्ट पॉलिटिशियन, शी ऑल्सो बिलोंग टू केरल ओनली, इजेंट इट? केरल आपका SDG में, एजुकेशन में टॉप करने वाला स्टेट है, ठीक है? फिर केरल से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत बार दो चार चीज़ें पढ़ी हैं, अबाउट द स्मार्ट किचन स्कीम, और इसके साथ में हमने पढ़ा है अबाउट द वन स्कूल वन IAS, डेली ये पढ़ लेते हैं, इजंट इट? वन स्कूल वन IAS। फिर लेबर मूवमेंट म्यूजियम हमने पढ़ लिया इनका, ओके? लेबर मूवमेंट म्यूजियम, इसके साथ में जेंडर पार्क पढ़ा, ठीक है? फिर बुक विलेज के बारे में हम लोग पढ़े, पेरमकुलम, ओके? ये सारी चीज़ें आपकी केरल की होती हैं। हु इज़ द केरल चीफ मिनिस्टर? पिनराई विजयन। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज, इनके बारे में आपसे पूछ सकता है। शी रिप्लेस्ड के शैलजा। के शैलजा को बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, ओके? हाँ, अ नोटेबल अमेरिकन 1979 नोबल प्राइज लॉरेट मिस्टर स्टीवन विनबर्ग वॉज पास्ड अवे। इन विच फील्ड डिड ही विन द नोबल प्राइज? फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, फिजियोलॉजी, लिटरेचर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका आंसर होगा फिजिक्स, ठीक है? मिस्टर स्टीवन विनबर्ग, इन्हें फिजिक्स नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है? अमेरिकन नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट स्टीवन विनबर्ग, डॉयन ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, हैव पास्ड, ठीक है? स्टीवन विनबर्ग जॉइंटली वन द 1979 नोबेल प्राइज विद इन फिजिक्स विद शेल्डन ली ग्लाशो एंड एब्दुस सलम फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ यूनिफाइड वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स इंक्लूडिंग इंटरालिया द प्रोडक्शन ऑफ वीक न्यूट्रल करेंट, ओके? खैर, अभी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इस बार का जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज था, ये किसको किसको दिया गया था? एंड्रिया एम गेज, ओके? एंड्रिया एम गेज, इनके साथ में और किसको दिया गया था? रॉगर पेनरोज, ठीक है? और तीसरे लोग कौन थे? तीसरे लोग थे रीनहार्ड गेंजल। ये इस बार का नोबेल प्राइज दिया गया था 2020 में जो था, ठीक है? अच्छा, अभी जो है हम लोग एक और लोगों का नाम पढ़े थे, केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज विनर, ठीक है? केमिस्ट्री के भी नोबेल प्राइज विनर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जोजन कर्जन, ठीक है? ही ऑल्सो पास्ड अवे। इनको भी याद रखना, ही वन नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, ठीक है? हाँ, जोसेफ कर। चलो खैर, ये हमारा आज का सेशन था। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो, तो सेशन को एक एक बारी लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना।
कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हो, आप लोग उस पे हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में देखेंगे, जो भी दिक्कत दुख परेशानी होगी। ओके ओके देन, टेक केयर एवरीवन, लव यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू।